इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे साइप्रस टी10 के दोस्तों आज के मैच नंबर 1 के बारे में, जो आपका खेला जा रहा है दोस्तों ईवीई और बीएफसी टीम के बीच में। ये जो मैच है दोस्तों ध्यान रखिएगा, रात के नहीं दोस्तों मॉर्निंग के, ध्यान रखिएगा 10:30 से खेला जाएगा। अब मॉर्निंग के दोस्तों 10:30 से खेला जाने वाला मैच है। वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूँ 7:20 में, ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये एक ऐसा मैच है जिसमें आप ग्रैंड लीग बहुत अच्छा से रैंक ला सकते हो। तो ग्रैंड लीग का प्राइस देखो कितना ज़्यादा है, तो मिस तो नहीं कीजिएगा। वीडियो इतना सिंपल दिया हो ना और इतना क्लियर दिया हो ना कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। यदि आप 10 टीम भी बनाओगे ना, आराम से बना जाओगे, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और स्मॉली का जो मैंने फाइनल टीम दिया है सेव कर लीजिएगा विदाउट एनी टेंशन, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। कोई चेंज करना भी होता है उस टीम में तो मैं एक बार फिर से आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। हाँ, आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को तो ज़रूर कर लीजिएगा, कोई चेंज होगा तो चेंज कर लीजिएगा, नहीं होगा तो दोस्तों ऐसे ही चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे आप जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी अवेलेबल है। और इसी वीडियो का कॉमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ईवीई और दोस्तों बीएफसी के मैच में क्या कम्बिनेशन लेके चलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों हम लोग विकेट कीपिंग सेक्शन में। विकेट कीपिंग सेक्शन में आइएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों जय का, कमाल के प्लेयर है, आते ही दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा हिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और कम से कम दोस्तों आपको 20 रन तो ज़रूर करके जाएंगे। हो सकता है इस मैच में 50 भी कर जाए, ठीक ना, इसलिए मैं बोलूँगा देखो इनको इस मैच में कैप्टन बीसी पे ज़रूर कंसीडर करो। कोई भी लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इन्होंने किसी भी मैच में बड़ा इनिंग नहीं खेला है, लेकिन खिलाड़ी बहुत धांसू है। यदि ये सही से ना, मैं बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं तो 30 बॉल भी खेलिए तो 30 बॉल में 70 रन कर जाएंगे, इस टाइप का प्लेयर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के मैच में वो दिन आए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा टीम में तो 100% लेना है दोस्तों, ओपन बैटिंग कर रहा है उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन थोड़ा कैप्टन बीसी पे आज फोकस कीजिएगा इन पर। यदि इनका दिन रहा और आपका दोस्तों लक सही रहा तो आपका लक बना सकते हैं। और विकेट कीपिंग सेक्शन से इनको आपको लेना नहीं है, जे जयसवाल को हम लोग लेंगे नहीं, हाँ ए बाम को भी ज़रूर लेके चलेंगे, बेहतरीन प्लेयर है, इनको कैप्टन भी सी मत कीजिएगा बट टीम में ज़रूर लीजिए। ये भी ओपन बैटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है, अभी तक जितना भी मैच खेले सभी मैच में कंसिस्टेंट आपको रन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों आपके साथ बैटिंग सेक्शन में, यहाँ पर आपको जे लक्ष्मण का ऑप्शन मिलेगा, ज़रूर आप लेके चलना, बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों, आपको ओपन तो नहीं कर रहा है रीसेंट मैचों में लेकिन फर्स्ट राउंड बैटिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ ना एक ओवर से दो ओवर का बॉलिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है आज के दिन दोस्तों यदि ये बॉलिंग करने आए तो माइनस में पॉइंट दे सके, सिर्फ सामने बैटिंग बहुत तगड़ा है, लेकिन बैटिंग एक इनका एक एडवांटेज है जिससे मैं आपको बोलूँगा ज़रूर आप टीम में लेके चलो। एस पंडित को भी मैं लेके चलूँगा, बैटिंग से 10 रन का उम्मीद है, बॉलिंग से दोस्तों फर्स्ट बॉलिंग में हो सकता है एक विकेट निकाल जाए, सेकेंड बॉलिंग में विकेट ले जाएंगे, लेकिन टीम में ज़रूर रखो, ऑलराउंडर प्लेयर है, ड्रॉप मत करो, 10 रन 15 रन भी दोस्तों बहुत हो जाता है ऐसे प्लेयर यदि स्कोर कर दे तो। ए भंडारी में नहीं ट्राई करूंगा, देखो लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग ज़रूर किया है, दो ओवर बॉलिंग करके एक विकेट लिए हैं, लेकिन बैटिंग से मेरे को कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। और बॉलिंग इस मैच में यदि ये करने आते हैं तो सामने जो टीम है ना बहुत स्ट्रांग है, तो आप इनको ट्राई भी करना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में आप क्या करना, रोटेशन भी यूज़ कर लेना, किसके साथ, तो जो मैंने ऊपर में ऑप्शन दिया ना एस पंडित के साथ, ठीक ना। स्मॉल लीग में डेफिनेटली मैं नहीं ट्राई करूँगा। नीचे दोस्तों जी रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, एल फ्रेंच कुछ नहीं करेंगे और नीचे से कोई कुछ खास ऑप्शन भी नहीं है, फालतू में दोस्तों लेना भी नहीं है, ठीक ना, उधर आपको टेंशन ही नहीं लेना, बस ये तीन प्लेयर पे फोकस रखिए जिसमें स्मॉल लीग में ये दोनों होना चाहिए। ग्रैंड लीग में आप दो तीन टीम बनाते हो तो एक्स्ट्रा टीम में आप इसको रोटेशन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रिफ्रेंस दोस्तों आप एस पंडित को देना, सेकेंड प्रिफ्रेंस आप ए भंडारी को देना, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऑलराउंडर सेक्शन में जब दोस्तों आइएगा, यहाँ पे दोस्तों आपको एस बुबुद्दीन का ऑप्शन मिलेगा, ज़रूर लेके चलेगा, बेहतरीन प्लेयर है, ओपन बैटिंग करेंगे और इसके साथ साथ दो ओवर का स्पिन बॉलिंग भी कर रहे हैं और गजब का यार बैटिंग करते हैं यार, ज़रूर आप लेके चलो, ठीक ना, इस मैच में भी 50-60 आराम से कर जाएंगे।
नीचे दोस्तों आपको ए बेल ब्रिज का ऑप्शन मिलेगा, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। देखो चांस इनको कम मिल रहा है बैटिंग से, लेकिन जब भी चांस मिला है भाई ने परफॉर्मेंस ज़रूर किया है, और उसके साथ साथ दोस्तों दो ओवर का बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो आपकी टीम में दोस्तों डेफिनेटली होने ही चाहिए। एमोन दोस्तों इस टीम का एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है, जो बैटिंग से एकदम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन बॉलिंग दोस्तों दो ओवर का कंफर्म आपको करके देंगे। और बॉल इतना अच्छे बॉलर है ना दोस्तों, बैट्समैन कितनों मेहनत करे इनको मारने का, कितनों दम लगाए, ये ज़्यादा दोस्तों रन पिटाने वाले नहीं है। एक्शन बहुत सिंपल है दोस्तों बॉलिंग का, बट बहुत काम के बॉलर है, ज़रूर आप टीम में लेके चलना। टी चॉर्ज बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहा है, लास्ट मैच में तो आपको भाई ने सेकेंड राउंड में बैटिंग करने आ गए थे, बट स्टिल इस मैच में मुझे जहाँ तक लगता है तीन नंबर पे बैटिंग करने चाहिए, और उसके साथ साथ एक से दो ओवर का बॉलिंग भी आपको करके दे रहे हैं, ज़रूर आप लेके चलिए। एस अख्तर और दोस्तों ये बॉलिंग सेक्शन से बी कटारी, मैं दिखाता हूँ किधर गए हो, बी कटारी और दोस्तों एस अख्तर दोनों में मैं एक ही ले पाऊँगा, दोनों को दोस्तों मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है दोनों परफॉर्म नहीं करेगा, दोनों में से कोई एक ही करेगा, तो फिर इसी वजह से आप इनको ना क्या करना है रोटेशन में यूज़ कर लेना, ठीक ना। बी कटारी और दोस्तों ए सत्तर दोनों आपको दो दो ओवर का बॉलिंग करके देंगे, कोई एक बॉलर माइनस में पॉइंट दे सकता है, कोई एक बॉलर को एक विकेट मिल सकता है, तो यही चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस मैच में। मैं अभी अख्तर को नहीं ले रहा हूँ, ठीक ना, आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, परफॉर्मेंस उतना बेहतरीन नहीं किए, बस यही रीज़न है कि मैं नहीं ले रहा हूँ। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन से ए शाही डब्लू मिलर, ये दोनों को तो आप ज़रूर ले लो। ए शाही तो यार वाइस कैप्टन कैप्टन के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है, ओपन बैटिंग दो ओवर का बॉलिंग, हो सकता है बॉलिंग से विकेट ले जाए, लेकिन बैटिंग से भाई जो फॉर्म में चल रहे हैं ना गज़ब का इन्होंने फोड़ा है। डब्लू मिलर दो ओवर का कन्फर्म बॉलिंग करके देंगे, इनके बिना दोस्तों आपको जाना डेफिनेटली सही नहीं रहेगा। बी कटारी को मैं ले रहा हूँ, देखो बी कटारी दो ओवर का बॉलिंग करेगा, अच्छा बॉलर है, लाइन लेंथ भी ठीक ठाक रह रहा है, और बैटिंग से भी आपको 5 से 10 रन स्कोर कर सकता है। आप इनके जगह चाहो तो ए सत्तर को ले सकते हो, यदि आप चाहते हो कि नहीं मेरे को दोनों लेना है तो फिर इधर से आपको एस पंडित को ड्रॉप करना होगा, जो रिक्स मैं नहीं लेने वाला हूँ इस बॉलिंग में, ये काम दोस्तों आप ग्रैंड लीग में ज़रूर आप कर सकते हो। एम हुसैन खेले तब भी आप उतना फोकस मत करना, जीएल में लेना हो तो लेना दोस्तों, एस कटारी को तो मैं नहीं लूँगा। हाँ ये नीचे से दोस्तों ये जो दो प्लेयर है ना ई एंडरसन और एस थ्रोंटन, देखो यदि ये खेलता है दोनों खेलता है दोस्तों तो इग्नोर करके मत जाना, हो सकता है दो दो ओवर दोनों में से किसी को ना मिले, लेकिन एक एक ओवर दोस्तों मिल सकता है। यदि ये दोनों खेलता है तो ग्रैंड लीग में ज़रूर आप कंसिडर करके चलना, आपका डिफरेंशियल पिक बन सकता है। स्मॉल लीग में तो मैं नहीं लूँगा खेले तब भी, लेकिन ग्रैंड लीग में आप फोकस ज़रूर रखना ये दोनों प्लेयर पे। क्या जाता है दो टीम आपको एक्स्ट्रा बनाना होगा तो बना लेना ना दोस्तों, लॉस थोड़ी होगा, लॉस नहीं होगा, टेंशन मत लो। यदि आप 49 लगाते हो तो 49 आपका वापस आ जाएगा, नहीं तो दोस्तों इसका दुगना होके आएगा, ओके ना। चलिए अब बात कर ले कि कैप्टन बीसी किसको करना है, तो देखो यार कैप्टन बीसी के लिए मैं बहुत ही क्लियर हूँ, मेरे ये कैप्टन रहने वाले हैं, वाइस कैप्टन में एस आई के जाल से आ रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा, ग्रैंड लीग में जैसा मैंने बोला आपको ये प्लेयर पे इस मैच में ज़रूर आप टीम लेके जाना, ठीक ना। जैसा यदि ये 30 बॉल खेल लिया 60-70 आराम से करके जाएगा और आपको टीम बना के जाएगा, कैप्टन नहीं तो बी सी आप कंसिडर करके चलना, लेकिन एक दो टीम इन पर भी रेडी कर सकते हो। ग्रैंड लीग में दोस्तों वाइस कैप्टन के लिए ये भी आपके लिए बैड ऑप्शन नहीं है, और एम होन भी एक ऐसा प्लेयर है जिनको कोई नहीं कर रहा है कैप्टन बीसी, लेकिन यार लास्ट ईयर ये बॉलिंग बैटिंग दोनों से अच्छा कर रहा था, पता नहीं इस साल बैटिंग से भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, लेकिन कब कौन प्लेयर दोस्तों फॉर्म में आ जाए, क्योंकि दोस्तों बोला जाता है ना क्रिकेट में क्लास इज परमानेंट, ठीक ना, और क्लास इज परमानेंट और परफॉर्मेंस इज टेम्प्रोरी, शायद ऐसा ही कोई डायलॉग होता है ना, मैं भूल गया हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, आप लोग बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। और एम होम का क्लास बहुत अच्छा है, रिसेंट मैचों में परफॉर्म नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, तो ग्रैंड लीग में ये दोनों प्लेयर पे कंसीडर कीजिएगा एज अ वाइस कैप्टन, ठीक ना। चलिए अभी के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम टीम का कोई चेंज मत कीजिए, कोई चेंज यदि इस टीम में करना भी होगा तो दोस्तों मैं हूँ ना, मैं आपको फाइनल टीम जब टेलीग्राम पे दूँ तो वहाँ पे आप देख लेना, कोई चेंज करना हो तो टीम में अपडेट कर लेना। हाँ यदि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन ही नहीं किया तो भाई साहब आप फिर कैसे चेंज करोगे, तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा,
साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में चेक कीजिएगा, वहां पर भी दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, चाहिए ज्वाइन कर लीजिए, कोई चेंज करना होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।